तो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट की। किसी भी कंट्री का इकोनॉमी का आईना कही जाती है स्टॉक मार्केट। जितनी सुदृढ़ होती है एक देश की इकोनॉमी, उतनी वाइब्रेंट होती है उसकी स्टॉक मार्केट। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, यूरोनेक्स्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे दुनिया में 60 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अरे नहीं, हम इस वीडियो में इन स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में कोई ज्ञान नहीं देने वाले हैं और न ही आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक रिकमेंडेशन देने वाले हैं। हमारा इस वीडियो को बनाने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सुनियोजित तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना। फ्रेंड्स, आम धारणा है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है जिसमें 100 में से 99 केसेस में पैसा बर्बाद हो जाता है, पर स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स ये कहते नहीं थकते कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से एवरेज 15-18% का रिटर्न मिल सकते हैं, जो एक FD या PPF के रिटर्न से कहीं ज्यादा है। तो फिर क्यों सिर्फ 3% इंडियन ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? इसका मेन रीजन है रिस्क। बहुत ही कम इंडिविजुअल्स में अपने हार्ड अर्न्ड मनी को रिस्क में डालने की हिम्मत होती है। हम इस वीडियो के जरिए आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे जिसको फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट से FDs, PPFs और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम से कहीं ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। ये ट्राइड एंड ट्रस्टेड स्ट्रेटेजी है जो हमने 15 साल के स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रोड्यूस करी है। तो फ्रेंड्स, कैसे वर्क करती है ये स्ट्रेटेजी? अरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले लाइक और शेयर पर तो कृपा दृष्टि कीजिए। चलिए, सबसे पहले आप 10 से 15 स्टॉक की विशलिस्ट रेडी करें, ऐसे स्टॉक्स जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर FMCG सेक्टर में ITC, HUL, नेस्ले, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और एडेसिव में PD लाइट का कोई जवाब नहीं। सीधे तौर पे कहें तो ये कंपनीज अपने सेक्टर के लीडर्स हैं, जिनका स्टॉक मार्केट में प्रेजेंस कई दशकों से है। इनके ग्राफ को देखें। मिसाल के तौर पर 5 अप्रैल 2008 को IT की दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक शेयर 298 का था, जो 17th अप्रैल 2023 को 3142 रुपए का हो गया। सिंपल मैथ्स लगाइए और देखिए कि TCS ने इन्वेस्टर को 16 साल में 954% का प्रॉफिट दिया। अपैरल जायंट पेज इंडस्ट्रीज की बात तो निराली ही है। ये कंपनी का एक शेयर अप्रैल 2008 में 453 रुपए का था, जो अप्रैल 2023 में 38,000 रुपए का हो गया। एक शेयर पे प्रॉफिट 37,546 रुपए, यानी कि 8,275% का प्रॉफिट। सिमिलरली, उसी पीरियड में पेंट्स एंड कोटिंग की दिग्गज एशियन पेंट्स का एक शेयर 119 रुपए का था, जो 17 अप्रैल 2023 में 2838 रुपए का हो गया। एक शेयर पे प्रॉफिट 2719 रुपए, यानी कि 2284% का प्रॉफिट। एडेसिव जायंट PD लाइट इंडस्ट्रीज का 16 साल का प्रॉफिट 3155%। FMCG जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर का 1000% का। ऑटोमोबाइल किंग महिंद्रा एंड महिंद्रा का 850% और बैंकिंग जायंट HDFC बैंक का 1154%। आप ये समझिए कि हर एक दिन एक जैसा नहीं रहता। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, जो तरह तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। किसी कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते मिलते कैंसिल हो जाना, या उसके पीरियोडिक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना आना, दो कंट्रीज के बीच में वॉर की वजह से वहां से आने वाले मटेरियल्स का अराइवल में डिले, या कोविड जैसी पैंडेमिक। मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इसी सेंचुरी में कई और पैंडेमिक्स आ सकते हैं। पर यहां पर हम बात कर रहे हैं अपने अपने सेक्टर्स के दिग्गज कंपनीज की। ये कंपनीज भी इन अप्स एंड डाउन से अछूती नहीं है, पर कोई भी नेगेटिव न्यूज इनके स्टॉक प्राइस को मैक्सिमम 15-20% या 30% तक गिरा सकती है। इन कंपनीज को छोटे छोटे सेटबैक से उभरने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, तभी तो ये डिकेड से स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस में है। आपको भरोसा रखना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर। रूल ऑफ 72 के अनुसार 72 डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताता है कितने सालों में आपका पैसा डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर PPF में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपका पैसा 72 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि लगभग 10 साल में डबल होगा। वहीं अगर स्टॉक्स में आप अपना पैसा लगाते हैं
जो कि 15% पर एनम के हिसाब से ग्रो करें, तो आपका पैसा 5 साल से भी कम टाइम पे डबल हो जाएगा। तो जैसे ही आपको आपके पसंदीदा स्टॉक अपने पिछले हाई से 10 से 15% के डिस्काउंट में मिले, आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उसमें इन्वेस्ट करें और इन्वेस्टेड रहें। तो फ्रेंड्स, स्टॉक सिलेक्शन से पहले उस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी लें। उसका मैनेजमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें, और एक बार इन्वेस्ट करने के बाद उसके अंदर कम से कम 10 से 12 साल तक टिकें। क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में 10 सेकंड भी मत सोचिए। और हां, जैसे इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम्स में कहते ही हैं, शेयर मार्केट में केवल वही पैसा लगाएं जिसको आप कम से कम 5 साल तक होल्ड कर सकें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एक सेक्टर की मैक्सिमम 3 से 4 कंपनीज ही रखें। फाइनली ये भी ध्यान रखिए कि इनमें से सारी कंपनीज हमेशा ग्रो नहीं करेंगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल में 2-3 कंपनीज की ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड से पुअर भी हो सकती है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी कभी कंपनीज डिलिस्ट भी हो सकती है। तभी तो फ्रेंड्स हम आपको अवेयर रहने के लिए एनकरेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए और बन जाइए स्टॉक मार्केट के किंग।